नमस्कार, आज मुझ आपणी अति सहज स्वादिष्ट आलू तरकारी रेसिपी नहीं कि आई तरकारी को बहुत ही सहज उपाय बन जार बनवा प्रोसेस बहुत इजी आ खाइबा मते अति स्वादिया लगी थाए। आपण यही आलू तरकारी को पूरी पराठा नहले रोटी सहित साइड डिश हिसाब से खाईपारे, खाइबापी बहुत टेस्टी बनवा बहुत इजी। तो एवं चलतु डेरी न करी यही अति स्वादिया आलू तरकारी बनवा स्टार्ट करवा। तरकारी बनवाई प्रथम ये गोटे कढ़ाई नहीं पाखापाखि अढ़ाई बड़ा चमच सोरिष तेल ऐड करेंगे। आपड़ ये रिफाइंड तेल भी यूज करेंगे किंतु सोरिष तेल यही तरकारी बेसी टेस्टी लगी थाए। तापर तेल को भल भाव में गरम करे। तेल गरम हो सारापर मुझे नहीं दुईटा तेजपत्र, 2 इंच डालचीनी, 2टा सुखिला लंका, हाफ टी स्पून गोटा जीरा। तेल गरम हो सारापर एड करदे। तापर या बस किसी सेकेंड पर टिके भाजी नेबे, जहाद्वारा यार फ्लेवर तेल रे भल भाव में आसीज। एबे एथिरे प्याज ऐड करवा। तो गोटे बड़ साइज रे प्याज को पतला करिके काटिके ऐड करिवे। एबे प्याज को भाजिबे। प्याज रो कलर चेंज होइके लाइट ब्राउन हो पर्यंत याकू मीडियम फ्लेम रे भाजी नेबे। तो एठी प्याज भी भल भाव में भाजी हो जाइछि, कलर चेंज होइके लाइट ब्राउन हो जाइछि। तो एबे एठी अदा रसुण रो पेस्ट ऐड करवा। तो पाखापाखि 2 छोट चमच अदा रसुण पेस्ट ऐड करिवे। तो पेस्ट ये पूरा सुखिल अच्छी, तो से अल्प टिके पानी ऐड करदे आकू मिक्स करिकी भाजी नेबे। तो गैस फ्लेम ये मु लो करदेची। एबे ये किसी सुखिला मसला ऐड करवा। तो अधा छोट चमच हळदी गुंड, गोटे छोट चमच धनिया गुंड, अधा छोट चमच काश्मीरी लंका गुंड ऐड करेंगे। आ मसला को भल भाव में मिक्स करने। तापरे या लो मीडियम फ्लेम रे मसला को बस गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नेबे, जहाद्वारा मसलार कंचा स्मेलटा पड़ेजिब। तो ये मसला भल भाव में भाजी जाइए। तो एबे ये टमाटो ऐड करवा। तो गोटे मीडियम साइज टमाटो ऐड करेंगे। आईटी स्वाद अनुसार लुण ऐड करदे आको मिक्स करे। लुण ऐड करने द्वारा टमाटो टिके जल्दी सीझी जाए। तो एबे या कवर करिकी लो फ्लेम रे टमाटो को सॉफ्ट हो पर्यंत या कुक करेंगे। तो 2-3 मिनिट कुक कर सारापर ये टमाटो भी पूरा भल भाव में सॉफ्ट हो जाइए, भल से कुक हो जाइए। तो एबे ये आलू ऐड करवा। तो मु ये सीझा आलू नहीं चोपा बाहर करिकी छोटे छोटे पीस रे काटी नहीं मुझे पाखापाखि 5 रु 6टा सीझा आलू नहीं। एबे मसला सहित आलू को भल भाव में मिक्स करने। तो एमती या मिक्स करिकी 2-3 मिनिट पर्यंत या लो मीडियम फ्लेम रे टिके कषि नेबे। मसला सहित आलू को कषिवा द्वारा तरकारी जितेबाडे बनइबे तरकारी बहुत ही टेस्टी लगी थाए। एबे एथिरे अधा छोट चमच कसूरी मेथी ऐड करिवे। तापर एथिरे गोटे छोट चमच चिकेन मसला ऐड करेंगे। चिकेन मसला पूरा पूरी भेज थाए। तो एबे मसला को भल भाव में मिक्स करे। कसूरी मेथी ऐड करने द्वारा आलू तरकारी खाइबापी बहुत टेस्टी लगी थाए। आपणों पाखरे जदि थिबो ऐड करेंगे, नथिले आपण याकू स्किप करेंगे। तो मसला को भल भाव में मुझे मिक्स करी नहीं। एबे ये ग्रेवी पानी ऐड करवा। तो आपन को जी ग्रेवी दरकार से हिसाब से आपड़ ये पानी क्वांटिटी कम बेसी करें। आठ गरम पानी ऐड करी। तरकारी सब बेले जिते बड़े एक्सट्रा पानी ऐड करेंगे, सब बेले गरम पानी ऐड करेंगे, तेबे जाकि तरकारी टेस्ट बहुत बढ़िया आए। आलू टिके बेसी पानी को सोक करें, से आप देखिके पानी क्वांटिटी कम बेसी करें। तो पानी ऐड कलापर तापर या कवर करिकी कुक करवा, जहाद्वारा ग्रेवी सहित आलू भी भल भाव में कुक हो पार। तो से कवर करिकी लो फ्लेम रे मैक्सिमम 5 मिनिट पर्यंत कुक करेंगे। तो 5 मिनिट पाई मुझे कुक कर नहीं। तरकारी कंसिस्टेंसी भी पूरा पूरी परफेक्ट अच्छी। ठंडा हो सारापर ये टिके ग्रेवीटा कमीज कहीं आलू सोक करनब। तापर लास्ट कि कटा धनिया पत्र ऐड करेंगे आको मिक्स करे। तो ये फाइनली आमर टेस्टी सहज स्वादिष्ट आलू तरकारी रेडी ही गला। तो एबे गैस को ऑफ करिकी याकु गरम गरम सर्व करिया पई बाहर करि नेबे। तो आपण तो देखिले आलू तरकारी बनवा केते इजी अछि आ खाइबा को मते बहुत टेस्टी लगी थाए। आपण थरे रेसिपी को निश्चय ट्राई करिवे आ केमिति लागुछि कमेंट करिकी निश्चय जणैबे।